वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ डिजास्टर मिनी सीरीज। ये है आशु, जहां पर आप ये देखते हैं कि सिचुएशन कितनी भी डिजास्टरस क्यों ना, प्यार अपनी मंजिल ढूंढी लेता। यू नो, अक्सर हमने ये एक्सपीरियंस किया, वी मीट समबडी, हम किसी से मिलते हैं, किसी को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, एंड देन इवेंचुअली वी फॉल इन लव। बट क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आप अपनी डेली रूटीन में चल रहे हैं, आपने अपना पूरा दिन वैसे ही बिताया जैसे आप अक्सर बिताते हैं, और शाम को आप किसी से मिलते हैं और आपको उससे प्यार हो जाता है। स्ट्रेंज, राइट? पर प्यार होता ही ऐसा स्ट्रेंज। आयुष और प्रकृति की मुलाकात भी कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज तरीके से हुई थी। दोनों ने नहीं सोचा था कि वो एक दूसरे से इस तरह मिले। दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट स्ट्रेंजर्स थे, बट कुछ ही पल में उन दोनों ने रियलाइज किया कि उनका ये मिलना, उनकी ये मीटिंग कोई इत्तफाक नहीं था। पर अब इत्तफाक नहीं था तो क्या, आइए देखो। Welcome to Glamour Presents Bindaas, ये है आशिक, powered by Nokia Lumia 630. चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ कोई है क्यों नहीं? कहाँ जाना है? जी जी, मुंबई की ट्रेन कब होगी? 11 बजे। इससे पहले की कोई ट्रेन नहीं है? लगता है बहुत जरूरी काम है आपको मुंबई में। भाई साहब, वो कौन सी ट्रेन है जो अंदर खड़ी है? अरे वही तो ट्रेन है जो मुंबई जाएगी, पर जाएगी 11 बजे। हो, मैं वेटिंग रूम में वेट कर सकती हूँ? टिकट लेना होगा आपको? जी, मुंबई के लिए एक टिकट देना। ये लीजिए मैडम आपका टिकट। ओए बुढ़िया रानी को शादी नहीं करनी। आई लव लव यू। अरुण के आप गुस्सा मत करो, मैंने होटल बुक करवाया। शट अप बीवी, उस रिसेप्शनिस्ट से खुद बात हुई थी, रूम्स कंफर्म हुए थे, फिर तुमने फॉलो अप क्यों नहीं किया? सॉरी, मुझे लगा कि आपकी बात हो चुकी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? यार ये लड़कियों पर रिलाय नहीं कर सकते, ये बोलती कुछ और है, करती कुछ और। आप रिलैक्स करो, वो शादी थी तो इसलिए सारा होटल बुक था, शाम तक कोई रूम मिल जाएगा। क्या हुआ? चेक कर रहा था कि तेरे दिमाग का कंपार्टमेंट है कि नहीं है। शाम तक मैं यहाँ रुकूंगा। नो वे। ओके, मैं टिकट लेने जा रहा हूँ, वरना वो कंपार्टमेंट भी फुल हो जाएगा। मैं जाता हूँ। नहीं, आप क्यों जाएंगे? 100 ग्राम कम नहीं हो जाएगा आपका? ओके, मैं खुद ही जा रहा हूँ। अरे सर, मेरी बात तो सुनो, अभी 7:30 बजे, 10 बजे तक होटल और मार्केट खुल जाएगा, हमें कोई ना कोई रूम मिल ही जाएगा पक्का। Have you lost it? 3 घंटे। तुम रिलैक्स हो, मैं पानी लाता हूँ, तुम यही रुको, यही रुको, मेडिसिन लाता हूँ, मेडिसिन वहाँ। एक सेकंड, मेरे पास पानी है। की दीवानी, इतना डर लगता है तो घर पे ही बैठो ना, बाहर क्यों निकलती हो? इतना ही गुस्सा आता है तो हुकुम क्यों चलाते हो? खुद कर लो कुछ। एक्सक्यूज मी, तुम समझती क्या अपने आप को जो बोले जा रही हो? जानती क्या हो मेरे बारे में? और आप मेरे बारे में जानते? मैं झूठा नहीं बीता। हिम्मत कैसे हुई सब करने की?
कुछ पेशेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करना पड़ता है। ओह, मिस डॉक्टर हाँ? नहीं, कंपाउंडर। समझती क्या हो अपने आप को? एक कंपाउंडर जो अपनी ड्यूटी कर रही है, प्रकृति। आज तक किसी ने मुझसे इतने एटीट्यूड से बात नहीं की, ना ही बिना मतलब किसी ने मेरी हेल्प की, पर उसने की, प्रकृति। नाइस नहीं, अलग हो तुम। सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? आयुष की तरफ से बोल रहा हूँ, डोंट माइंड, वो थोड़ा टेंस है ना इसलिए। देखिए, टेंशन सबको होती है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आए बोल दे। वंस अगेन रियली सॉरी। अरे भाई जल्दी उठो, तो सारी ट्रेन कैंसिल हो गई, जल्दी उठो, सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे प्लीज आप लोग जाइए, मुझे जल्दी से जल्दी स्टेशन खाली करवाना है। खाली? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? मैं कहाँ जाऊंगी? वो 10 बजे तक तो सभी ऑर्डर बुक हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? जाओ यहाँ से, दंगे हो गए, दंगे। पर अचानक से कैसे? ये सही कह रहे हैं, बाहर राइट जो है ट्रेन के डिब्बे जला दिए गए, सिचुएशन बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम भी अपनी फैमिली में से किसी को कॉल करो और कहो कि तुम्हें पिक करो। फैमिली? तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, सगाई। तुम्हारे फियांसे से कहोगे तुम्हें पिक कर ले? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे मेरा हक लेना छह से आता है। नहीं बोलना, आप जाइए। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे नहीं जाना, ठीक है? गोधरा में दंगे फसाद हो रहे हैं, आसपास के सभी शहरों में कर्फ्यू लगने की आशंका है। गोधरा और राज्य के बाकी सभी शहरों में कर्फ्यू लगा देने का ऑर्डर दे दिया गया है। राज्य सरकार ने सबसे अनुरोध किया है कि लोग घर से बाहर ना निकले, बाहर निकलना असुरक्षित। अब तो तुम लोगों ने भी सुन लिया ना समाचार में क्या बताया, मैं अपना रूम बंद करके आता हूँ, तुम लोग जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। मैं यही रहूंगी, मुझे मुंबई जाना है, मैं आज नहीं तो कल चली जाऊंगी, मुझे यही रहना है। देखो, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं, तुम प्लीज हमारे साथ चलो। देखो, दंगे गोधरा में हुए, वडोदरा में नहीं। कर्फ्यू यहाँ भी लग चुका है, सिचुएशन बहुत खराब है, तुम प्लीज हमारे साथ चलो। देखो, मुझे यही रहना है, आप में से जो जाना चाहता है जा सकता है, प्लीज प्लीज मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। उसके चक्कर में रहोगे तो आप भी फंसोगे। मैं बोल रहा हूं चलते हैं यहां से, मैं कोई ना कोई रहने का जुगाड़ कर लूंगा। ऐसी सिचुएशन में एक अकेली लड़की को छोड़कर मैं अपने बारे में सोचूं? ये तूने सीखा होगा, मैंने नहीं।